Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 30 पढ़ने वाले हैं जिसकी डेट है 25 जनवरी 2021. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है. नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम. और अगर किसी के स्कूल में ये बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, फिर लिखना है आपको अपने इंग्लिश टीचर का नाम, राइट. तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम वही चैप्टर जो हमारा करते आ रहे हैं उसका आज लास्ट पार्ट आया है. दिस इज जोड़ीज फोन. ये जोड़ी का फोन है, ठीक है. हिरनी का बच्चा, यानी कि जोड़ी एक लड़का और उसका वो जो उसको लेके आया था फ़ोन को, ठीक है. अब बच्चों, इसमें ये जो पहला हमारा टास्क आया करने को, एक काम क्या करना है हमें, राइट द नेम ऑफ द एनिमल एंड देयर बेबीज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. जैसे हमने देखा जो डो है, डो का बच्चे को हम फ़ोन बोलते हैं, यानी कि डियर का जो बच्चा होता है उसको फ़ोन बोलते हैं. ऐसी इन सब के यहाँ पे बच्चे दिए हुए हैं. जैसे देखो, ये डंकी है, डंकी के बच्चे को क्या बोलते हैं, है ना, और डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं. तो इनके सबके नाम लिखने हैं, इनके भी नाम लिखने हैं और इनके बच्चों के भी नाम लिखने हैं. तो सबसे पहले हमारा नंबर एक पे क्या है, डोंकी. आप सब जानते हो ये डंकी है, तो यहाँ पे लिख दोगे DONKEY, डंकी. अब इसका बच्चा क्या होता है, इसका बच्चा होता है FOAL, फोल, ठीक है. अब सेकेंड पे है हमारा डॉग, तो डॉग के बच्चे का नाम क्या होता है, डॉग के बच्चे को हम बोलते हैं पप्पी, PUPPY, पप्पी, है ना. तो ये हमारा पहले में, ये हमारा पांचवें में फोल, ये हमारा पांचवें में आएगा बच्चों. और ये आपका जो आपका नंबर टू यानी कि डॉग, ये आपका दूसरे में आएगा. और जो आपका पपी है ये नंबर सिक्स पे आएगा. तो ये आपका नंबर सिक्स हो गया, ठीक है. मैं इनके नीचे नंबर लिख रही हूँ. अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको मिक्स ना हो. अब देखिए ये क्या है, ये है हमारे मिस्टर पिग, ये हमारे पिग हो गए. अब पिग के बच्चे को बोलते हैं पिगलेट. तो पिग ये कौन सा हो गया, ये हमारा नंबर तीन में आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे नंबर तीन लिखा हुआ है. नंबर सात में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा पिगलेट, ठीक है. जो पिग होता है उसके बच्चे को हम बोलते हैं पिगलेट, ठीक है बच्चों. अब आया हमारा शीप, ये है SHEEP, शीप, यानी कि भेड़. तो भेड़ का क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये नंबर चार लिख देंगे, ठीक है, SHEEP, शीप. अब इसके बच्चे को क्या बोलते हैं, इसके बच्चे को बोलते हैं लैम्ब. तो ये हो गया आपका नंबर एट. तो यहाँ पे आप लिख देंगे LAMB, है ना. दोबारा से लिखो, LAMB, लैम्ब. तो ये हो गया आपके मेमना, जिसको हम हिंदी में मेमना और इंग्लिश में लैम्ब बोलते हैं. तो हो गया आपका टास्क वन. अब देखते हैं अब आगे क्या आया है. अब हमें जो बचा हुआ पार्ट था चैप्टर का वो आया है. अब इसमें क्या होता है, जो जोड़ी है वो फ़ोन को लेके अपने पा के पास आता है, है ना. तो पैनी अपना सिर घुमाता है और पूछता है, उसके पीछे खड़ा हुआ था, फिर उसको उसने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था, जो ये फ़ोन था, है ना, कई दिनों से उसने खाया नहीं था. अब उसका जो पापा है वो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उसको लेके आए हो, है ना. अब ये लग रहा था पेनी को देख के, जो लड़का है, जो उसका बच्चा है, बॉयज आइज वर ब्राइट एज द फोन्स, जैसे जिसकी आँख चमकीली हो रही है फ़ोन यानी कि हिरनी के बच्चे की. और जोड़ी भी इतना ही खुश है, मतलब वो खुश हो रहा है. तो वो पेनी बोलता है, ही सेड, यानी कि उसके पापा बोलते हैं, आई एम ग्लैड यू फाइंड इट, आई एम ग्लैड, यानी कि मैं खुश हूँ कि तुमने उसे ढूंढ लिया. जोड़ी देन वेंट टू द किचन, फिर जोड़ी किचन में गया. द फोन वेब्ड आफ्टर हिम, जो हिरनी का बच्चा था वो भी वहाँ पे गया. फिर उसके बाद क्या हुआ, अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ. अब वो जो मॉर्निंग का मिल्क, जो सुबह का दूध आता है, वो उस साफ था वहाँ पे किचन में, सेफ रखा था, सुरक्षित जो सुबह का दूध था वो सेफ रखा था. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और इसके ऊपर क्या आ गई थी, मलाई आ गई थी, है ना, मलाई आ जाती है ना जब हम दूध को रख देते हैं ठंडा करने के लिए. ही स्किम द क्रीम इन टू अ जग, उसने उसको जग में तोड़ा, वो जो मलाई थी. ही पोर्ड द मिल्क, और दूध डाला इन टू अ स्मॉल गोल्ड, एक छोटे से गोल्ड में. ही हेल्ड इट इन टू द फोन, और उसने उसको किसको पकड़ाया, फ़ोन को दे दिया, वो जो हिरनी का बच्चा था उसको दे दिया.
इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, और वो क्या करने लगा, वो जो दूध था उसको सूंघने लगा। ही सेव्ड इट प्रीसियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द मिल्क ओवर द फ्लोर, उसने उसको बचा लिया कि वो स्पिलिंग होता है फैलाना, कि वो जो फर्श है उस पर दूध को ना बखेर दे। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोर्ड, और इसने दूध को कुछ नहीं किया। ही डिप्ड हिज फिंगर, उसने अपनी उंगलियों को डुबाया इन द मिल्क दूध में। ही थ्रस्ट देम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, और उसका जो सॉफ्ट सा मुंह था, किसका, हिरनी के बच्चे का जो सॉफ्ट सॉफ्ट सा मुंह था, गीला सा मुंह उसके अंदर, मतलब उसने उसको उंगली से उंगली डुबो डुबो के उसने उसको क्या करा, उसको दूध पिलाया था बच्चों। इट सक्ड ग्रीडीली, और वो उसको लालच से पी रहा था भाई, उसको भूख लगी थी। व्हेन ही विड्रू देम, जब उसको बाहर निकालता था फिर वो उस बटेड करता था। ही डिप्ड हिज फिंगर, फिर से वो उंगली डुबाता था और फन उसको सक करता था, चूसता था, यही करता गया। और उसने इसी तरीके से उसको दूध पिलाया बच्चों, और फिर उसके जैसे वो दूध पिलाता जा रहा था तो जो उसकी फिंगर थी वो भी नीचे आती जा रही थी दूध के। द फोन वॉज कंटेंट, अब जो जो ये फ़ोन था, ये हिरनी का बच्चा था, ये संतुष्ट हो गया था। इट क्लोज इट्स आई ड्रीमली, उसने अपनी आँखें बंद करी जैसे कि एक जानवर बंद करते हैं। इट वॉज एक्सटी टू फील स्ट्रंग अगेंस्ट हिज हैंड, और वो उसकी जो उंगली थी, उसका जो हाथ था, वो अपनी टंग पे उसको फील कर रहा था, मतलब उसका अनुभव ले रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, और उसकी छोटी सी जो पूंछ है वो पीछे की तरफ हिल रही थी। लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश इन द स्ट्रिल ऑफ फोम एंड गर्लिंग, मतलब इसी तरीके से ये चैप्टर बच्चों यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। चलिए अब हमें ये करना है, जो आपको अपनी वर्कशीट में से कंटेंट करना है वो क्या है। नाउ कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को कम्प्लीट करिए। इट सीम्ड पैनी दैट द बॉयज़ आइज वर एज ब्राइट रेड, ऐसा दिखाई देता है कि जो वो है आपका पैनी, ये पैनी को ऐसा लगता है कि जो बॉयज़ की आई हैं ऐसी ब्राइट है जैसे कि क्या, जैसे कि फ़ोन की है ना, फ़ोन की भी तो आइज चमकीली हो रही थी, और उसकी भी हमने पहली लाइन में ही पढ़ा था, ये पहली दूसरी लाइन में, दूसरे में जोड़ी पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल, वो किस में डालता है, जोड़ी जो मिल्क डालता है किस में पोर करता है, तो इसमें लिख देंगे जी ओ यू आर डी, है ना, जी ओ यू आर डी लिख देंगे इसमें, जी ओ यू आर डी हो गया आपका गोड। जोड़ी सेव्ड द मिल्क, जोड़ी ने प्रीसियसली फ्रॉम किस चीज़ से, किस चीज़ से उसके लिए बचा लिया, उससे बिखरने से बचा लिया। तो जो आपका तीसरा है इसमें आप पेन कर कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, है ना, तो इसमें आएगा बिखरने से बचा लिया। तो बिखरने का क्या था, ये जो तीसरा है खाली स्थान, इसमें आप भर देंगे स्प्लिंग, एस पी आई डबल एल आई एन जी स्प्लिंग, है ना, इसमें आप स्प्लिंग भर देंगे। अब चौथा, एज लॉन्ग एज ही हैड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क वॉज कंटेंट, अब जब जैसे कि जैसे नीचे जाती जा रही थी उसके जो दूध नीचे जा रहा था भाई, जैसे जैसे पिलाता जा रहा था तो दूध तो कम हो रहा था, तो कौन संतुष्ट होता जा रहा था, कंटेंट होता जा रहा था आपका फ़ोन, तो इसमें चौथे वाले में आपका आंसर फ़ोन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए आपके चारों इसके। अब देखो नीचे आंसर देने हैं इन क्वेश्चन के, हु सेड, किसने बोला आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम, मैं खुश हूँ कि तुमने उसे क्या कर लिया, उसे ढूंढ लिया, तो ये किसने बोला था, ये बोला था पानी, यानी कि उसके जो पापा थे, पा लिख दीजिए या पैनी लिख दीजिए एक ही बात है, इसमें लिख देंगे पा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, और प्यारे बच्चों व्हाई डिड द फोन स्टैम्प इट्स स्मॉल हूप इम्पेशेंटली, क्यों कर रहा था वो फ़ोन, मतलब क्यों अधीर हो रहा था जो वो हिरनी का बच्चा था, तो आप इसका आंसर जो नंबर 6 है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आपको क्या लिखना है, ये लिखना बिकॉज, एक सेकेंड, आप यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था ना फोन, इस वजह से कर रहा था, तो ये आप लिख देंगे एच यू एन जी आर वाई, छोटा करके लिखती हूँ थोड़ा, फोन वॉज हंग्री एच यू एन जी आर वाई, है ना, क्योंकि जो फ़ोन था वो कैसा था, वो भूखा था,
तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी इंटरेस्टिंग सी और आसान सी वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 6। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। तो आपको क्या करना है, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। और बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी आपके कमेंट का। थैंक यू स्टूडेंट्स।